पद्मा नगर स्थित विवेकानंद स्कूल में बड़े श्रद्धालुओं के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा। बता दें कि विवेकानंद स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अपने कैरियर चुनने का और साथ ही अपने माँ बाप, रिश्तेदार व अपने संप्रदाय भी सिखाते। विवेकानंद जी के विचार भी और संप्रदाय व्यवहार भी सिखाते। इसी प्रकार गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्कूल के मैनेजमेंट के आदेश पर पूरे शिक्षक व स्टाफ ने मिलकर अपने स्कूल के विद्यार्थियों के माता पिताओं को बुलवा कर उन्हीं ही के पुत्रों पुत्रियों द्वारा चरण धोकर आरती देकर उनसे आशीर्वाद दिलाए। ऐसे सांप्रदायिक कार्यक्रम देखकर पालक वर्ग भी भावुक रह गए। इसी कार्यक्रम में माजी अध्यक्ष राजेंगी कृष्णा, राजेंगी राजू, बलराम अवधूता, नरेश कोंडा, मंगलाराम भास्कर के साथ साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश कोंडा जी भी उपस्थित रहकर अपने माँ बाप, शिक्षक व समाज के प्रति अनेक विचारों से संबोधित किया। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन महेश मांजरेकर ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु स्कूल के जयश्री पुजारी, पंकज सर और पूरा शिक्षक वर्ग स्टाफ ने पूरा मिलकर बड़ी मेहनत की। चलिए देखते इस कार्यक्रम की एक झलक। बच्चों, आपको ये एक सूचना देता हूँ, अपने गुरुओं को कभी भी भूलो मत। छेड़छाड़ या स्कूलों में टिंगल मस्ती करना, गुरुओं के पीछे उनके पीछे कमेंट करना, ये सब बातें चलती रहती है लाइफ में, मगर उनके वजह से अपन आगे बढ़ते ये कभी भी भूलना नहीं। अपने जो प्राइमरी एजुकेशन के गुरु है उनको कभी भी भूलना नहीं। लोग कॉलेज के टीचरों को जल्दी से भूल जाते हैं, मगर प्राइमरी के जो टीचर है जो अपने को उंगली पकड़ के लिखना सिखाते हैं, ऐसे लोगों को जो मैथ सिखाते हैं, जो इंग्लिश सिखाते हैं, जो मराठी सिखाते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं, ऐसे लोगों को बच्चे कभी भी भूलते नहीं। फिर भी मैं एक आप लोगों को बोलता हूँ, कभी भूलना मत। जब भी जरूरत रहेगा ऐसे गुरुओं को नमन करना। नमन करेंगे तो आपका जो भी तकलीफ है वो तकलीफ दूर होगा। सभी से निवेदन करता हूँ कि आज का जो अपना सद्गुरु पूर्णिमा, जो गुरु अपने गुरु जो है सर्वश्रेष्ठ होते हैं, अपने को मालूम है जीवन में सबसे बड़ा गुरु जो होते अपने माता पिता, माता पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। तो जो अपने बच्चे अपने माता पिता को प्राउड फील करते, उनको रेस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वो जिंदगी में हमेशा सफल रहेंगे। और आज का जो इवेंट जो चल रहा था, अपने पादुक धोना और उनको आरती करना, और साथ ही साथ आप अपने जो आशीर्वाद आज जो दे रहे, मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में श्योर वो लोग कामयाब होएंगे। और आज जो माहौल था, मैं जैसे आए तो आते ही मेरे को जो बच्चों ने सम्मान दिया, पादुक धोए और साथ ही साथ आरती दिए और अक्षता डाले, तो उससे मेरे को इतना मन में जो आनंद के आश्रु आ रहे थे, आंखों से ढलक रहे थे, टपक रहे थे, मेरे ख्याल से वही पेरेंट्स को भी मेरे ख्याल से देख रहे थे। बहुत से पेरेंट्स 99.99 पेरेंट्स के आंसू, आंखों में से आंसू टपक रहे थे। वो माहौल था। तो अपने लिए क्या चाहिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो विवेकानंदा यही देता है कि अपने पालक को सम्मान करो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इनको सम्मान किया तो मैं बोलता हूँ कि भारत वर्ष क्या अपना फैमिली जिंदगी में सक्सेस रहेगा। पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु प्लस पूर्णिमा, यानी माँ इज द पहला गुरु, अपना गुरु पूर्णिमा का अर्थ है। तो आज सभी के पेरेंट्स के बोलो, टीचर्स के बोलो, मैनेजमेंट हमारे बोलो और सभी बच्चों को, हर एक आदमी का एक गुरु होता है जो अपन मानते हैं। बच्चों को खास करके अपनी पहला गुरु माँ है और दूसरा गुरु शिक्षक है। और शिक्षक माँ जन्म देती है, घर में गुरु जैसा उसको
शिष्य को गुरु दर्शा बर्ताव करती है, और एक टीचर अपने शिष्य को ज्ञान और बोध सब कुछ देते हुए उनको एक योग्य आदमी बना देता है। जो हम लोगों ने देखा है पेरेंट्स का जो सत्कार किया है, जिस तरह बलराम सर ने भी बोला है, कृष्णा सर ने भी बोला है कि पेरेंट्स हमारे प्रथम गुरु है, वो हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, वही हमारे प्रथम गुरु है, और उसी भावना को हम रख के हम लोगों ने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट और या सम्मान आज कराया है। जो स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं उनके इसमें ये संस्कार डालने के है हमारा एक छोटा सा प्रयत्न है। ओके, ये जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे, आरती करना, पैर धोना, ये सब मामूली एक्टिविटीज़ लगते हैं, लेकिन इसका गहरा प्रभाव सारे बच्चों पे पड़ता है, जिसका वो लाइफ लॉन्ग वो याद रखते हैं। सिमिलरली पेरेंट्स के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है कि कैसे बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, या बच्चे भी पेरेंट्स के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए। इसका एक अनोखा और जो सामने दिखता है वो नहीं, उसके बहुत इंटरनली बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये जो हम लोगों ने हमारा प्रयास है उसमें सारे पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए, इतने बारिश में सब पेरेंट्स आए, माता।